आज हम घर पर ही बनाएंगे मसाला पीनट। बहुत ही क्रिस्पी मसाला पीनट जो कि अच्छे से कोटेड भी है, बहुत ही आसान रेसिपी है। हेलो फ्रेंड्स, मैं ऋतु गुप्ता कुकी ट्रिपिट पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम ये मसाला पीनट बनाने के लिए यहाँ पर कच्ची मूंगफली ले रहे हैं, तो मैंने यहाँ पर करीब 500 ग्राम लिए हैं। अगर हम कप से नापते हैं तो ये 2 कप है। इसके लिए हमें कच्ची मूंगफली ही लेनी है, कोई भी हमें रोस्टेड पीनट इसके लिए नहीं लेना है। तो देखिए, मूंगफली भी जो हमने लिया बिल्कुल क्लीन होनी चाहिए, कोई मिट्टी वगैरह इस पे नहीं होनी चाहिए। तो बस अब हम सबसे पहले क्या है, हल्का सा इसको धो लेंगे। तो बहुत हल्का सा धोएंगे पानी से, ताकि एक तो ये थोड़ा सा गीली हो जाएंगे जिससे कि मसाला बहुत अच्छे से कोट हो जाएगा, दूसरा इसके अंदर जो भी मिट्टी होगी वो निकल जाएगी, और तीसरा इसका फायदा होगा जब हम इसे ऑयल में डालेंगे तो ये बहुत जल्दी जलेगी नहीं, अच्छे से फ्राई होगी, क्रिस्पी बनेगी। बहुत हल्का सा हमें इसे धोना है, बहुत ज़्यादा देर नहीं, सिर्फ कुछ सेकेंड तक हमें इसे इस तरह से धोना है। इसका छिलका नहीं उतारेंगे कि इतना रब करा कि छिलका उतर जाए, बस हल्का सा। तो बस अब ये पानी हम निकाल देंगे, तो हम इसे छल्ली में छान लेंगे, पानी और मूंगफली को अलग कर लेंगे। तो देखिए, जब हमने मूंगफली को धोया है तो इसमें से कितना गंदा पानी निकला है। तो बस अब ये जो मूंगफली है इसे हम रख देंगे, ताकि जो भी एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए, और पानी को हम फेंक देते हैं। तो बस इसे हम अभी साइड में रख लेते हैं, और इसके लिए कोटिंग के लिए मसाला तैयार करते हैं। तो यहाँ पर मैंने दूसरा बोल लिया है, उसमें हम डाल रहे हैं अभी 1 कप बेसन। अगर हम ग्राम में इस बेसन को चेक करते हैं तो ये 200 ग्राम है। इसी तरह से मैंने मूंगफली कप से और ग्राम में दोनों ही तरीके से आपको बताई है, उसी क्वांटिटी से हम इसमें चीजें डालेंगे। हमने यहाँ पर 1/4 कप लिया है कॉर्नफ्लावर, आप इसकी जगह चावल का आटा या अरारोट भी ले सकते। थोड़ा सा इस पे डाल रहे हैं हम नमक, नमक हमें बाद में मसाला तैयार करना है उसमें भी डालना है, इसलिए हमें ध्यान से डालें। तो मैंने आधा चम्मच डाला है, आधा चम्मच इसमें डाल रहे हैं लाल मिर्च का पाउडर। तो नमक और मिर्च आप टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। 1/4 चम्मच डालेंगे हल्दी पाउडर। तो बस अब हम ये पहले चीजें मिक्स कर लेते हैं। ये मूंगफली पीनट बनाना बहुत ही आसान है, बस इसकी कोटिंग हमें अच्छे से होनी चाहिए, इसके जो फ्राई कर रहे हैं वो हमें अच्छे से फ्राई करना है। बस छोटी छोटी सी चीजें हैं जो हमें ध्यान देनी है। तो बस पानी मूंगफली से अच्छे से निकल चुका है, तो ये पीनट्स भी हम इसमें मिक्स कर देंगे। तो बस इसे चम्मच से थोड़ा सा इसे मिक्स करेंगे, ताकि जो भी बेसन है बहुत अच्छे से इस पर कोट हो जाए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए ना, तो प्लीज वीडियोस को लाइक जरूर कीजिएगा। तो बस देखिए, इस तरह से हम चम्मच से मिलाते हुए इसको अच्छे से कोट करेंगे। जितना अच्छे से हमारा बेसन पीनट पे कोट होगा, उतना ही अच्छा क्रिस्प बनेंगी। तो बस अब ये थोड़ा सा छोटा पड़ रहा है, तो हम किसी बड़ी थाली परात में इसको निकाल लेते हैं और अच्छे से बेसन को कोट कर लेंगे। तो देखिए, इस तरह से अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आ रही है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि मैं जो भी वीडियोस अपलोड करूं नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो देखिए, अभी ये जो हमारा बेसन है इस पे काफी ड्राई है, अगर हमने इसे ऑयल में फ्राई किया तो ये निकल जाएगा। तो हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर भी इसको गीला कर लेते हैं, अच्छे से कोट हो जाएगा, ये चिपक जाएगा मूंगफली के ऊपर, और फिर जब हम मसाला डालेंगे वो भी अच्छे से चिपकेगा। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, एक साथ बहुत ज्यादा पानी नहीं डालेंगे, हमें इसके पानी की जो कंसिस्टेंसी है ऐसी रखनी है, ना तो बहुत ज्यादा पतला होना चाहिए ना ही बहुत ज्यादा ड्राई होना चाहिए। तो इसी तरह से हम थोड़ा थोड़ा करके इसको मिक्स करते रहेंगे। अभी तक मैंने करीब 1/4 कप पानी इसमें डाल दिया है। तो देखिए, काफी मूंगफली इसमें ऐसे लग रही है जो कि अभी कोट नहीं हुई है, इसमें थोड़ी सी ही मूंगफली कोट हो पाई है। तो इस तरीके से जब हमने मिक्स किया है, तो अब हम इसमें थोड़ा सा बेसन और डाल लेते हैं। तो मैं यहाँ पर 1/2 कप बेसन इसमें और मिक्स कर लेती हूँ। तो ग्राम में ये 50 ग्राम है, टोटल हमें 250 ग्राम बेसन लगा है, 500 ग्राम पीनट्स हैं, और 250 ग्राम हमें बेसन यूज हुआ है।
तो देखिए इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और जरूरत पड़ेगी तो इसमें थोड़ा सा पानी और डालेंगे। तो टोटल यहाँ पर मैंने अभी आधा कप पानी इसमें मिक्स कर लिया है। बस अच्छे से इसको हमें मसलते हुए, अच्छे से बेसन को कोट करते हुए हमें इसे मिक्स कर लेना है। धीरे 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 करके करेंगे तो सभी पीनट्स पर बहुत अच्छे से बेसन लग जाएगा। तो देखिए यहाँ पर सभी मूंगफली अच्छे से कोट हो गई हैं। 2 मिनट के लिए इसे छोड़ देते हैं और अब अपना मसाला तैयार करते हैं। तो मैंने कुछ मसाले प्लेट में निकाले हैं। 1/4 चम्मच लिया है गरम मसाला, 1 चम्मच लिया है यहाँ पर काला नमक, 1/4 चम्मच हींग लिया है, 1/2 चम्मच भुने जीरे का पाउडर, 1 चम्मच लिया है चाट मसाला और 1 चम्मच ही लिया है लाल मिर्ची पाउडर। तो आप नमक, मिर्च और चाट मसाले की क्वांटिटी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग घटा बढ़ा सकते हैं। कोई भी मसाला आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो बस अब हम इसे मिक्स कर लेंगे सारे मसाले को। इसे अभी हम साइड में रख देते हैं और जो हमारी पीनट है बेसन में कोटेड वो भी अच्छे से सेट हो गई हैं। तो इसकी जो हमने कंसिस्टेंसी रखी है बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं रखेंगे। अगर बहुत ज़्यादा हार्ड हो गई तो हमारी मूंगफली भी बहुत हार्ड हो जाएंगी और अलग नहीं होंगी। इसका जो ऑयल है फ्राई करते हुए हमें ध्यान देना है, हमें मीडियम रखना है, मीडियम हीट पर इसे गर्म करना है, उसके बाद हमें लो कर देना है। तो देखिए हमने इस तरह से काफी सारी पीनट एक बार में ही डाल दी है और गैस का फ्लेम लो कर दिया है। बस अब लो हीट पर ही हमें इसे फ्राई करना है। बस हल्का हल्का हम इसे इस तरह से चलाएंगे तो धीरे धीरे ये सारी पीनट अलग हो जाएंगी। अगर हमने बहुत हाई हीट पर फ्राई किया तो ये बहुत जल्दी फ्राई हो जाएंगी, अलग भी नहीं होंगी, आपस में चिपकी रह जाएंगी। बस इसी तरह से आप इसे चलाते रहें, हल्का हल्का सा घुमाएं तो देखिए धीरे धीरे पीनट्स हमारी सब अलग हो चुकी हैं और गैस का फ्लेम हमें अब मीडियम कर देना है। तो बहुत देर मीडियम नहीं करना है, लो टू मीडियम पर ही हमें अपने सारे मसाला मूंगफली को तैयार करना है। हमें ध्यान रखना है गैस का फ्लेम बहुत हाई नहीं रखेंगे। इस समय पर मैंने गैस का फ्लेम मीडियम कर दिया था तो अब हम इसे लो कर लेंगे। तो लो हीट पर ही हमें ज़्यादा फ्राई करना है ताकि ये अंदर से बहुत अच्छे से फ्राई हो जाए। कच्ची मूंगफली है तो बहुत अच्छे से फ्राई हो जाएंगी, टेस्ट अच्छा आएगा और देखिए एक एक मूंगफली बिल्कुल खिली हुई है, बिल्कुल अलग अलग है। तो अच्छे से जब तक गोल्डन कलर नहीं आ जाना तब तक हमें इसे फ्राई कर लेना है। तो बहुत ही आसान है मसाला पीनट बनाना, बहुत ही आसान सी रेसिपी है, इजी भी है और टेस्टी भी बनती है। और घर की जो मसाला पीनट है आप 1 महीने तक स्टोर कर सकते हैं। बस अब हम इसे जाली पर निकाल लेते हैं, एक्स्ट्रा ऑयल इसका निकल जाएगा। तो बस इसी तरह से हम सारी पीनट करें। तो देखिए हमारी पीनट तैयार हो गई है, एक एक खिली खिली है, बहुत अच्छे से मसाले से कोट हुए है। तो बस इसी तरह से तैयार करेंगे। अब हम इसमें मसाला मिला लेते हैं। तो हमें ध्यान रखना है जब पीनट गर्म है उसी समय पे हम इसमें मसाला मिलाएंगे, गरम गरम में बहुत अच्छे से चिपक जाएगा और देखिए कितना अच्छा कलर आया है और एक एक हमारी मूंगफली बहुत अच्छे से कोट हुई है। तो बस जो हमने मसाला तैयार किया था उसे थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें मिक्स करेंगे। तो अभी मैंने थोड़ा डाल दिया। हम इसमें बाकी मसाला भी मिक्स कर लेते हैं। हम 2 बार में इसे मिक्स करेंगे। देखिए कितनी अच्छी आवाज आ रही है, कितनी क्रिस्पी पीनट बनी है। तो आप इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। घर पर जरूर बनाकर देखिएगा, बहुत बढ़िया बनती है। तो बस ये पीनट बनाने के बाद आप बाजार से तो लाएंगे ही नहीं, इतनी बढ़िया मसाला पीनट तैयार हुए हैं, बिल्कुल मार्केट जैसी, एक एक खिली खिली है, बहुत अच्छे से मसाले में कोट हुई हुई है। तो चलिए आप इस रेसिपी को तैयार कीजिए, फिर मिलेंगे एक और नई रेसिपी के साथ।